साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ मलेशिया से रिलेटेड अपन आज बात करेंगे। आपने जो क्वेश्चन किए थे मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज ऐसे टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं जिससे भविष्य में जब भी कभी विदेश जाओ तो आपको मोटिवेशन जानकारी सही से मिल सके, जिससे आपके साथ कोई चीटिंग धोखाधड़ी होने से आप बच सके। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। प्रीतम जी गुलहार पूछते हैं, सर मलेशिया में विजिट वीजा जाने के बाद कंपनी एक साल का परमिट लगाती है क्या? बिल्कुल नहीं लगाती भैया, बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं लगाती। ठीक है। आशीष अग्रवाल पूछ रहे हैं, सर गुड आफ्टरनून, मुझे आपसे ये जानना था कि हमारा पासपोर्ट कंपनी के पास और वो हमें बाय चांस जाने के टाइम पे न दे तो उस टाइम आउट पास से इंडिया आ गए उसके बाद हमें हमारा वही ओल्ड पासपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि उसमें 4 वीजा लगे हुए हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा भैया, ऐसा चांस नहीं है। पासपोर्ट अगर आप आउट पास स्पेशल पास से आते हो और वो पासपोर्ट वहाँ रह जाता है तो आपको दूसरा पासपोर्ट यहाँ बनेगा, वो एकदम न्यू फ्रेश होगा, पीछे की हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी, आप एकदम फ्रेशर हो जाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी पहले वाले पासपोर्ट की। ठीक है भाई। दिलेर सिंह जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज रिप्लाई मी, जनवरी में वापस आना है मलेशिया से, अगस्त में गया था टूरिस्ट वीजा पर, क्या करूं? प्लीज आउट पास स्पेशल पास का पूरा प्रोसेस बता दो प्लीज, फंसा हुआ हूं। मलेशिया पासपोर्ट मेरे पास है, क्या करूं? पास किसके पास जाना पड़ेगा भाई? क्या यार, पासपोर्ट अगर आपके पास है स्पेशल पास से आ सकते हो, आउट पास से आ सकते हो 5 या 6 जनवरी के बाद। ठीक है, वेरी सिंपल यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, आ जाओ ना, दुनिया आती है आप ही आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अगर उसमें वीजा लगा हुआ है वो वीजा एक्सपायर नहीं हुआ तो नहीं आ सकते, A2A वाले। ठीक है भाई। नदीम वलीम जी पूछते हैं, अशोक जी नमस्कार, मैं झुंझुनू से हूँ, मैं मलेशिया में हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, यहाँ रिन्यूअल हो जाएगा और कितना खर्चा लगेगा बताना। भाई देखिए, आपके पास वीजा लगा हुआ पासपोर्ट है, ठीक है, वीजा लगा हुआ और वो खत्म हो रहा है तो आराम से रिन्यू हो जाएगा, वही जो नया बनाते हैं उतने ही खर्चे में वो पासपोर्ट बन जाएगा, 70-80 रिंगिट, 100 रुपए के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट रिंगिट में बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें, पुराने वाला पासपोर्ट उसके साथ अटैच हो जाएगा, वीजा उसमें लगा हुआ है, पासपोर्ट दूसरा बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है आपका। द वर्ल्ड पूछते हैं, सर प्लांटेशन में आया हूँ, 3 मंथ हो गया है, वापस जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ क्या? पर कंपनी 3000 रिंगिट मांग रही है भैया, बहुत कम मांग रही है 3000 रिंगिट, वरना 5000 रिंगिट हैं A2A वाले से लोग मांगते हैं, क्योंकि कंपनी का तो 2500 का खर्चा आता है, लेकिन जो बीच में होते हैं ना आपके मैनेजर या फील्ड मैनेजर या फलाना या ढिमका, वो हरामी होते हैं, समझ गए, वो कमीशन चाहिए उनको तो वो खा जाते हैं। 3000 मांग रहे हैं, चुपके से पकड़ा दो और पासपोर्ट लो, रिजाइन लेटर उनसे मोहर लगवा के इंडिया आ जाओ, सबसे ऑप्शन है, वरना वहां से भागोगे तो इससे ज्यादा खर्चा वैसे ही हो जाएगा आपका, पुलिस इमिग्रेशन का लक्ष्य डर है। ठीक है भाई। आगे एक भाई पूछते हैं, कुलदीप सिंह बरार, सर मेरा दोस्त मलेशिया से आउट पास लगा के वापिस आना चाहता है और इंडिया में लड़की के साथ कनेडा जाके जा भी, पासपोर्ट और डिपोर्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? भैया देखिए, आउट पास स्पेशल पास से आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कनाडा जाना है वो एक अलग इश्यू है भैया, वो मोटी फाइल बनेगी, मोटा पैसा लगेगा, खुद का इंटरव्यू वगैरह झगड़ा हो सकता है, कोई इश्यू इतना है नहीं, जा सकते हो। ठीक है, मलेशिया नहीं जा सकते यार, बाकी कोई कंट्री में अप्लाई करो ना, कौन बोलता है। ठीक है भाई। सरबजीत मंडाल बोलते हैं, सर मेरे पासपोर्ट का कवर निकल गया है, मुझे न्यू पासपोर्ट बनवाना है मलेशिया में, पासपोर्ट बनाने के टाइम वो वहीं से मेरा पुराना वीजा लगा देते हैं, वीजा के लिए अलग से इमिग्रेशन जाना पड़ेगा? भैया देखिए, सिस्टम ये होता है कि आपके पासपोर्ट का कवर निकला है, पासपोर्ट घुमा तो नहीं ना, तो पहली बात तो उसको रखो, अगर वो काम आए तब तक, अगर काम नहीं आता है तो पासपोर्ट दूसरा बनवा लो, वो पासपोर्ट उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वीजा लगाओगे खर्चा पड़ेगा, चक्कर वगैरह कोई मतलब वाली बात नहीं है, दूसरा बनवा के उसके साथ स्टैंपिंग कर लेना, वो सेट है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुर्गाराम जी बोलते हैं, सर विजिट वीजा कैसे लूंगा? एजेंट बोल रहा है कि 85,000 लगेगा 3 मंथ का वीजा, कैसे निकालूं? भैया देखिए, विजिट वीजा जाने में 3 मंथ का वीजा बंद हो गया है, 15 दिन का वीजा लेके जा सकते हो घूमने के लिए, 2000 में आ जाएगा। अब आपने जो लिखा है उसका तो आंसर वही है, बाकी आप विजिट वीजा में काम करने के लिए जा रहे हो तो एजेंट तो फिर 85,000 मांगेगा भैया, उनको वो तो उनका काम है ना, वो तो मांगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। MD पूछते हैं, सर मेरा नाम उतावला है, मैं मलेशिया विजिट पे घूमने जाना चाहता हूँ, वीजा का खर्च कितना आएगा? भैया 30,000 में घूम के आ जाओगे 5-6 दिन, ठीक है, शॉर्ट में ये समझ लो आप।
विकास चौरसिया पूछते हैं, सर मेरा भाई फेल्टा कंपनी में है, वन मंथ हुआ है, इंडिया कैसे आ सकता है? भैया फेल्टा कंपनी में 5,000 रिंगिट यहाँ से आप भेजिए, कंपनी में जमा हो जाएंगे, ठीक है। वैसे 2500 लगते हैं लेकिन वो खाते हैं भैया, कोई नहीं रोकता उनको। 5,000 रिंगिट यहाँ से भेजेंगे, वहाँ जमा होने के बाद उनको पासपोर्ट देंगे, रिजाइन लेटर देंगे, कंपनी खुद एयरपोर्ट पर छोड़ के आएगी इमिग्रेशन क्रॉस करवा के। ये तो है एक नंबर में, वरना कंपनी छोड़ दी फिर क्या बोले यार, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, धक्के खाते फिरोगे। 1 साल तक आपका बंदा नहीं आ सकता, या तो दूसरी जगह काम करें या नहीं आएगा, कंपनी मत छोड़ना भैया, या वरना सीधी बात है 5,000 रिंगिट डाल दो, कंपनी पासपोर्ट देगी, खुद एयरपोर्ट छोड़ के आएगी, फिर टिकट अलग से आपकी लगेगी। बुरहान खान बोलते हैं, सर मुझे बताना हमारी मेडिकल डेट पूरी होगी तो हमारा परमिट वीज़ा कैसे लगेगा? भैया देखिए, अगर आपका वीज़ा ऑनलाइन हो गया है उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट या आपका जो आप बता रहे हो मेडिकल अगर एक्सपायर हो जाता है तो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। अगर आपका जो भी वीज़ा ऑनलाइन नहीं हुआ है और उसके बाद अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया तो आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। समझ में आ गई होगी। साहब दूसरे पूछते हैं, सर लाजमी जवाब देना, मैंने सुना है कि जनवरी में कंपनी सैलरी 1500 रिंगिट कर रही है वर्क परमिट वालों का। भैया बिल्कुल सही बात है, मैंने भी सुना है कि जनवरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नियम एक्ट ला रही है कि मिनिमम सैलरी मलेशिया में जैसे फेल्डा में 800, 900, 1100, 1100 मिलता है ना, उसमें फिक्स है 1500 रुपये करेगी। लेकिन यार इसमें बात वही आ जाएगी भैया, कौन सी बात, गल्फ में भी ऐसा रूल हुआ था कि मिनिमम 1500 दरम सैलरी करेंगे, लेकिन आज भी कंडीशन वही है, अग्रीमेंट में 1500 शो होती है, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। अग्रीमेंट 1500 का मिलेगा लेकिन सैलरी वहाँ पे वही मिलेगी जो 1100, 1100, 800, 900 जो भी है, यही भैया मुझे तो लगता है मलेशिया में होने वाला है। कौन देगा यार, क्या ज़रूरत है, वर्कर इतने ओवर स्टेप पड़े हैं वहाँ पे, क्या ज़रूरत है उनको, जब 1000 में बंदा मिल रहा है तो 1500 आपको क्यों देगी वो। अग्रीमेंट 1500 को मिलेगा ये फाइनल है, लेकिन वो हाथी के दांत दिखाने वाली बात हो जाएगी भैया, ठीक है। तो मुझे चांस लगता नहीं है कि यार ऐसा। याकूब जी पूछते हैं, सर मुझे दुबई जाना है, मैं कुवैत में 4 साल रहा हूँ। बिल्कुल भाई दुबई जा सकते हो, कौन रोकता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पर भी इंटरव्यू दें और दुबई जाएं। आगे एक भाई पूछते हैं, सर मैं लेबियन से ब्लैकलिस्ट हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पेपर नहीं बने थे, और मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन रोकेगा यार, जो कंट्री से आप आए हो उसमें नहीं जा सकते, बाकी कोई भी कंट्री में आप जा सकते हो। बाबू खान पूछते हैं, सर आप प्लीज़ आप वीडियो में बताएं, जो कि मलेशिया में रह रहे हैं वो अपना पासपोर्ट किसी को नहीं दें, कंपनी पासपोर्ट नहीं रखती है, एजेंट पासपोर्ट रख लेते हैं, वापस नहीं करते। बिल्कुल सही बात है भाई, कंपनी पासपोर्ट नहीं रखती, एजेंट पासपोर्ट रख लेते हैं, जो बीच वाले होते हैं जिसको ठेकेदार बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो रख लेते हैं अपने लड़कों को अपने काबू में करने के लिए। और ये होता है खास तौर से विजिट टू वर्क में, ठीक है। परमिट में जाओगे तो ए टू ए में या ए टू बी के अलावा जो भी वीज़ा होते हैं सर्विस सेक्टर रिलेटेड, वो भी कंपनी उसमें रख लेती है, उसमें कंपनी रखती है, ठीक है भाई। आगे हैं मोदी साहब, हरीश मोदी जी पूछते हैं, मैं वर्क परमिट में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, जा सकते हो? देखिए भैया, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलता है तो जा सकते हो, यूरोप का मेडिकल का इतना कोई झंझट नहीं है, ठीक है भाई। शोभित मिश्रा पूछते हैं, सर मलेशिया की कंपनी में जॉब करते हैं तो वो लोग हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं क्या कंपनी में? बिल्कुल सही बात है भैया, ए टू बी के अलावा जितना वीज़े होते हैं DP-10 के अलावा वो कंपनी में या ठेकेदार रख लेते हैं वीज़ा। राज गुप्ता पूछते हैं, सर एक बात पूछना था, सर मुझे 8 महीने हो गए, मैं 4-5 महीने रहना चाहता हूं, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि मलेशिया में रहने का 1 साल का इतना फाइन, 2 साल का इतना फाइन लगेगा। ये बिल्कुल सही भैया, फाइन तो देना पड़ेगा ना, आप गलत तरीके से रह रहे हो तो आओगे तो फिर जुर्माना दे के तो आना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। वो तो होता ही है भैया, बिल्कुल होता है, आप इंडिया में देख लो ना यार, कार चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, जुर्माना लेना पड़ेगा ना, कार अपनी चला अपन रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट पैसा वसूलती है, क्योंकि वो 2 नंबर का होता है ना, तो लगेगा, बिल्कुल सही बात है। युद्धवीर सिंह राणा पूछ रहे हैं, सर मैं बैंकॉक में बंदा बिना पासपोर्ट के है, क्या करें? बैंकॉक में बंदा बिना पासपोर्ट के, तो पासपोर्ट या तो गुम गया या किसी ने छीन लिया, तो भैया पासपोर्ट तो बनाना पड़ेगा, बैंकॉक में इंडिया एम्बेसी है, वहां जाके पासपोर्ट अप्लाई करें, पासपोर्ट बनेगा दूसरा डुप्लीकेट पासपोर्ट, उससे इंडिया आ सकते हो, बिना पासपोर्ट नहीं आ सकते, ध्यान रखना। मुकेश पंडित पूछ रहे हैं, सर मैं माईजी वेल्डर हूँ, क्या मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल सकता है? भैया देखिए, जॉब तो आप अमेरिका में ले लो, कौन मना करता है आपको, जॉब तो मिल ही सकता है, लेकिन वीज़ा मिले कि नहीं मिले उसकी गारंटी नहीं है ना,
वो अपने स्तर पे आप देखिए। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको जल्द जल्द करके आंसर दे दिए। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि लोगों को भाइयों को काम आ सके। और वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज ऐसे टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं, जिससे भविष्य में जब भी कभी विदेश जाएं तो आपको नॉलेज मिल सके, चीटिंग धोखाधड़ी से होने से आप बच सके। जय हिंद।